संभालिए। मेरे पास ऑन एवरेज दिन में 3 जोड़े पेश होते हैं कि साहब हमने लव मैरिज कर ली है या हम लिव इन में रह रहे हैं। ये समाज कहां जा रहा है, विचार करिए। इसके दोषी आप हैं। पेरेंटिंग इज अ 20-year बिजनेस। मैंने मेरे बेटे को जो स्कूल में पढ़ रहा था उसको 2 चीज के लिए मैंने मना कर दिया था। एक इकलौता बेटा है, मैंने कहा जब तक कॉलेज नहीं पकड़ ले तब तक मेरे से 2 चीज मत मांगना, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल। उसको भी पता था बाप के तेवर उसने नहीं मांगे, मांगता तो देता भी नहीं, देता तो गुद्दी में 2 देता खींच के। ये बच्चों को लाड नहीं है, ये बच्चों को बिगाड़ रहे हो आप। कंट्रोल नहीं है आपका बच्चों के ऊपर। बच्चा क्या कर रहा है, उसको मोबाइल कर दिया, फ्री कर दिया। वो मोबाइल के जरिए उसकी कोई सीमा नहीं है, उड़ान भर रहा है, वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं और फिर माँ बाप हमारे पास पेश होते हैं और रोते हैं कि साहब एक बार बच्ची से मिलवा दीजिए, और बच्ची कहती है मैं मिलना नहीं चाहती। जिस साल 18 साल उस घर में रही हुई बच्ची अपनी माँ से मिलने से मना कर देती है। ये समाज है हमारा, ये हमने बच्चों को प्यार दिया है, ये लाडपाल किया है हमने, ये हमने बच्चों में कॉन्फिडेंस जनरेट किया है, ये बच्चों की हमने परवरिश की है। चेत जाइए, अभी भी आप जागिए, चेतिए, बच्चों के दोस्त बनिए, बच्चों को उनके सुख दुख में, उनके हर चीज में उनको शामिल करिए। कुछ बातें मेरे मन में आई थी, समाज के नाते, एक अधिकारी के नाते, एक मुखिया के नाते मैं जो देख रहा हूं हो रहा है, इसलिए मैंने अपने उद्गार प्रकट किए। आप इस में आए हैं, उत्सव में उत्सव मनाइए, जीवन एक उत्सव होना चाहिए। अपनी परंपराओं को जीवित रखिए, परंपराएं अच्छी हैं, लेकिन जो एक बात बताई वो परंपरा में अगर गलत है तो उसको हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। आज मारवाड़ में मनवार है अफीम की, इसका मतलब नहीं हमें अफीम घोड़ के बैठ जाएं। समाज में मान्यता हो सकती है लेकिन इलीगल इलीगल है। अगर स्मोकिंग इलीगल है, हुक्का इलीगल है तो इलीगल है, उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हम। हम किसी भी आर में गलत काम को पॉजिटिव पेश नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, गलत गलत ही रहेगा। नशा गलत है तो है, उसको किसी भी रूप में हम सही नहीं ठहरा सकते। वरना अगर भांग और गांजा अगर सेवन लायक होते तो हमारे भगवानों ने पुराणों में पहले लिख दिया होता कि बेटा खूब चिल्लम भर भर के पियो, मजे करो, ऐश करो। किसी भी धर्म में नहीं कहा, नशे को सब धर्मों ने बुरा बताया है। इसलिए अच्छे आचरण और अच्छे उदाहरण पेश करिए। समाज बहुत कुछ देखता है, इस मंच से बहुत कुछ सीखता है और फॉलो करता है। धन्यवाद।